अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने की अतिक्रमण की कोशिश, भारतीय जवानों ने खदेड़ा। फराह ने आर्यन की मां गौरी के बर्थडे पर लिखा इमोशनल नोट, कहा मां की दुआ पहाड़ों को भी हिला सकती है। आरबीआई एमपीसी ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई भी बदलाव, 4% रहेगी दर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम व कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापे, 1000 करोड़ के लेन देन का पता चला। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई, जज ने एनसीबी की दलील ठुकराई। लखीमपुर खीरी हिंसा में एससी के सवाल पर आज यूपी सरकार देगी स्टेटस रिपोर्ट। पाकिस्तानी शख्स ने दिया पति को गुलाब तो बोली इनकी मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही, वायरल हुआ वीडियो। कोविड 19 के देश में पिछले 24 घंटे में 21,257 नए मामले आए सामने, 205 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस। ब्रिटेन के बदले तेवर, कोविशील्ड की दोनों डोज लिए भारतीयों को सोमवार से नहीं होना होगा क्वारंटीन। पीएम मोदी को मिले तोहफों की हुई नीलामी, नीरज चोपड़ा के भाले की करोड़ों में लगी बोली।